Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, जय जोहार हेलो नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा वाटरफॉल है और आज मैं आ गया हूं कोरबा जिले के इसी वाटरफॉल में जिसको कहा जाता है केंदई वाटरफॉल। और यह जो केंदई वाटरफॉल है कोरबा से लगभग 90 किलोमीटर, अंबिकापुर से लगभग 90 किलोमीटर और बिलासपुर से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर कोरबा अंबिकापुर रास्ते में है। तो आइए आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ का खूबसूरत दृश्य। कोरबा की तरफ से आने के लिए यह वाला जो रास्ता है यह कोरबा की तरफ से आता है और यह जो रास्ता जा रहा है यह जाता है सीधा अंबिकापुर की तरफ। और यहाँ पे एक बोर्ड है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे पास में मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को, स्वामी भजानंद वनवासी सेवा आश्रम केंदई। और इस रास्ते से हम जा सकते हैं केंदई वाटरफॉल। केंदई का झरना जो है लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से, आइए चलते हैं इस रास्ते से केंदई वाटरफॉल। यहाँ पे एक तालाब नुमा आपको जगह दिख रहा है, तालाब जैसा ही है। यहाँ पे बाउंड्री दिया हुआ है, आगे में बांधा गया है, वहाँ पे सीमेंटेड किया गया है। इधर गहरा है तालाब जैसा, इसको बनाया गया है और इधर से ही जो पानी जा रहा है, नरवा बोलते हैं इसको हम लोग छत्तीसगढ़ में, इस नरवा नाले में जो जलप्रपात है केंदई का वह बनता है। यहाँ पे एक ब्रिज जैसा बनाया गया देख सकते हैं। इधर सीधा सीधा अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे जो पॉइंट दिख रहा है वहाँ से जो झरना है गिर रहा है और जलप्रपात बन रहा है वहाँ से। यहाँ पे आगे में एक व्यू पॉइंट है, मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की आप लोगों को दिखे। तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं एक व्यू पॉइंट है और एक व्यू पॉइंट जो है यहाँ पे है। तो दो व्यू पॉइंट बनाए गए हैं यहाँ पे झरने में। आगे हम लोग अभी ये वाला व्यू पॉइंट जो वहाँ से मैंने दिखाया था आप लोगों को, एक और व्यू पॉइंट, तो यहीं से जो वाटरफॉल है, झरना है, उसकी आवाज़ जो है आ रही है और पास में ही है झरना वाटरफॉल। तो अभी इस तरफ में कुछ और है तो इसको देखते हैं इधर क्या क्या है, उसके बाद चलेंगे झरना दिखाने के लिए आप लोगों को। और बहुत ही खूबसूरत जगह नज़र आ रहा है इधर, जो बांगो डैम है, बांगो डैम का ये स्टॉपेज का पानी है। इस तरफ में थोड़ा सा आगे जाएंगे ना हम लोग तो इधर आपको बहुत ही खूबसूरत जगह देखने के लिए मिलेगा, मंत्रमुग्ध कर देने वाला। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, मेरा मन बहुत प्रफुल्लित हो गया इस जगह को देख के। अभी आप लोग भी देखिए, बहुत ही खूबसूरत जगह है, देख सकते हैं जो बांगो डैम है उसी का यह पानी है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। दूर दूर तक आपको नज़र आ रहा होगा पानी और पहाड़, बीच में नाव भी चला रहे हैं, मछली वगैरह पकड़ रहे होंगे। पत्थरों में नाम भी लिखा गया, जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे लोग रहते हैं कहीं भी नाम लिख देते हैं। और व्यू तो बहुत ही ज़बरदस्त है, मंत्रमुग्ध कर देने वाला नज़ारा। तो चलते हैं अभी ऊपर की तरफ, वाटरफॉल की तरफ हम लोग, और दिखाते हैं आपको अभी वाटरफॉल। हो 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 हो, खूबसूरत देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो है ना झरना जो है हमें नज़र आ रहा है। यह जो झरना है बहुत ही खूबसूरत झरना है और इधर जो है व्यू बहुत अच्छा है। व्यू एक बार आप देख सकते हैं इधर किस तरह से है, इतना खूबसूरत लग रहा है यह झरना। और लगभग 100 फीट की ऊंचाई से जो पानी है वह नीचे गिर रहा है, बहुत ही खूबसूरत। और एक जो व्यू पॉइंट है वहाँ पे है, वहाँ से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, देख सकते हैं आप नीचे आने के लिए, उन सीढ़ियों से आप नीचे आ सकते हैं इधर झरने के नज़दीक में। तो दोस्तों अभी हम दिखाने वाले हैं यहाँ का खूबसूरत सा ड्रोन शॉट। Trying out and showing off, so flashy, don't do jack for me.
दोस्तों आप लोगों से एक गुजारिश है, जहाँ कहीं भी आप जाते हैं पिकनिक स्पॉट में खाना वगैरह खाते हैं तो इस तरह देख सकते हैं, ये बॉटल गिरा हुआ है, प्लास्टिक के पानी पाउच गिरे हुए हैं और दोना पत्तल वगैरह गिरा हुआ है। तो किसी भी पिकनिक स्पॉट में इस तरह गंदगी ना करें। अपने साथ जो भी प्लास्टिक की थैलियाँ लेके आते हैं, डिस्पोजल थाली गिलास वगैरह लेके आते हैं, उसको एक पॉलीथीन में पैक करके बाहर लेके उसको डिस्पोज कर सकते हैं, या डस्टबिन वगैरह होगा तो उसमें डाल सकते हैं। और हमको स्वच्छ छत्तीसगढ़ बनाना है और हम सबको मिलकर यह करना है। दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा केंद्रीय जलप्रपात को, और यह जो आप देख रहे हैं यह जो पानी है जाके मिल जाता है बांगो मिनी माता डैम में, जो हसदेव नदी पर बना हुआ है। और यहाँ पे 3 से 4 और पॉइंट हैं, बूका जल विहार है, सतरंगा है और गोल्डन आइलैंड है, जिसका सेपरेट वीडियो आएगा अलग से। तो उम्मीद है आज का केंद्रीय जलप्रपात का यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पे अगर आपने आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।